डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है लिक्विड क्रिस्टल। उसका नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोट्रोपिक लिक्विड क्रिस्टल, मीन्स लिक्विड क्रिस्टलों का वर्गीकरण, द्रव क्रिस्टलों का वर्गीकरण। क्या होता है, द्रव क्रिस्टल दो तरह के होते हैं, पहला स्मैक्टिक और दूसरा निमेटिक। स्मैक्टिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सोप लाइक, तो इसलिए इसे हमने कहा स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। निमेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है थ्रेड लाइक, धागेनुमा, इसलिए इसे हमने कहा निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। तो चलिए पढ़ते हैं अपन स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, स्मैक्टिक द्रव क्रिस्टल, डू नॉट फ्लो एज नॉर्मल लिक्विड। ये सामान्य द्रव की तरह फ्लो नहीं होते हैं, सामान्य द्रव की तरह नहीं बहते हैं। इनकी मोबाइलिटी जो है लिमिटेड होती है, इनकी जो गतिशीलता है वो सीमित होती है। फ्लो इन लेयर, लेयर्स में फ्लो होते हैं इस तरह, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी इन डिफरेंट लेयर इज डिफरेंट। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी है, मींस इस लेयर की वेलोसिटी अलग होगी, इस लेयर की वेलोसिटी अलग होगी और इस लेयर की वेलोसिटी अलग होगी। द फ्लो ऑफ सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल इज नॉन न्यूटोनियन। ये जो है ट्रू लिक्विड की जो फ्लो है, ट्रू लिक्विड की गति है वो न्यूटोनियन है, और आपकी सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल का फ्लो है वो है नॉन न्यूटोनियन। अब नॉन न्यूटोनियन है तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी एप्लीकेबल नहीं होगा, मीन्स श्यानता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। किस पे, स्मैक्टिक लिक्विड क्रिस्टल पे। अब इसमें सॉलिड के क्या प्रॉपर्टी है, सॉलिड की प्रॉपर्टी है शो एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न लाइक सॉलिड बट इन वन डायरेक्शन। ये सॉलिड की तरह एक्सरे डिफ्रेक्शन पैटर्न शो करते हैं लेकिन एक ही दिशा में शो करते हैं। ये इन पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश में फैन लाइक अपीयरेंस शो करते हैं। इनमें जो है इनको ध्रुवित प्रकाश में देखने पर ये हमें फैन लाइक दिखाई देते हैं। और यूनि एक्सियल होते हैं, एक अक्षीय होते हैं एंड नॉट अफेक्टेड बाई ए मैग्नेटिक फील्ड। इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये चुंबकीय क्षेत्र से, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते। नेक्स्ट है इनका एग्जांपल पढ़ते हैं अपन, इथाइलिन, इथाइल पेरा एजोक्सी बेंजोएट, दूसरा है इथाइल पेरा एजोक्सी सिनामेट और थर्ड है एन ओक्टाइल पेरा एजोक्सी सिनामेट। नेक्स्ट है आपका निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, निमेटिक द्रव क्रिस्टल। ये जो है फ्लो एज नॉर्मल लिक्विड, ये सामान्य द्रवों की तरह ही बहते हैं, इसलिए इनका मोस्ट फ्लो है न्यूटोनियन है। और यहाँ पे कंसेप्ट न्यूटोनियन फ्लो है तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ विस्कोसिटी लगेगा, श्यानता का गुण जो है, श्यानता का सिद्धांत इन पे लागू होगा एंड इनके फ्लो पर, इनके बहाव पर श्यानता का सिद्धांत लागू होगा। अब विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी श्यानता निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की कम होती है सामान्य द्रव से। निमेटिक क्रिस्टल की लिक्विड जो विस्कोसिटी है वो कम है आपकी नॉर्मल लिक्विड से। अब सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी है कि टर्बिड है, टर्बिड है आपका और एनाइसोट्रोपिक इन नेचर है। विषम बेसिकता पाई जाती है, विषम बेसिकता का मतलब अपन समझते ही हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर डायरेक्शन वाइज मापते हैं, पर्टिकुलर एक अलग अलग डायरेक्शन में मापते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग आएगी, जैसे कि अपवर्तनांक। नेक्स्ट है आपका इन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट में इनको देखने पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, धागे नुमा संरचना इनकी दिखाई देती है। ये यूनिएक्सियल होते हैं, एक अक्षीय होते हैं और दे आर अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होते हैं, कौन, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होते। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो टर्बिड लिक्विड है आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर दिखाई देगा, और इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वापस टर्बिड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है पेरा एजोक्सी एनिसोल, पेरा एजोक्सी फिनेटोल और पेरा मिथोक्सी सिनामिक एसिड। नेक्स्ट है आपका
कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग बोथ सिमेटिक एंड निमेटिक करेक्टर। कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें सिमेटिक और निमेटिक दोनों के करेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, मिश्रित द्रव क्रिस्टल भी कह सकते हैं। कैसे? मान लीजिए यह आपका सब्सटेंस है, सॉलिड है, जो कि आपका मिक्स्ड लिक्विड क्रिस्टल है। इसको हम गर्म करेंगे तो ट्रांजिशन टेम्परेचर फर्स्ट पे टीएस, फर्स्ट मतलब ट्रांजिशन टेम्परेचर या ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट पर लिक्विड सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा। सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होने के बाद फिर इसको और गर्म करेंगे थोड़ा तो ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, ट्रांजिशन टेम्परेचर पर, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड पर ये निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होने के बाद थोड़ा और गर्म करने पर मेल्टिंग पॉइंट पर ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड और प्रोसेस सेम चलेगा, फिर वेपर में चेंज हो जाएगा एट ए बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जाम्पल है मेरिस्टेट। दूसरा इसका एग्जाम्पल है सोलिड, जो है आपका मिक्स लिक्विड क्रिस्टल का सोलिड। आपका ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल फेज फर्स्ट में चेंज हुआ, फिर वापस इसको ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन टेम्परेचर या ट्रांजिशन स्टेट सेकंड में ये सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल फेज टू में चेंज हुआ। यहाँ पे दो फेज हो गई, सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल फेज फर्स्ट और सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल फेज सेकंड, यहाँ दो फेज हो गई। और यहाँ ट्रांजिशन स्टेट थर्ड में ये निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में चेंज होगा और यहाँ पे आपका इस तरह आपके ट्रांजिशन टेम्परेचर कितने हो गए इसके, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और फिर मेल्टिंग पॉइंट पर ये लिक्विड में चेंज होगा और फिर लिक्विड आपका वेपर में चेंज होगा एट बॉइलिंग पॉइंट। इसका एग्जाम्पल है EAPAC, इथाइल एनिसाल पेरा एमिनोसिनामेट। इसके बाद है कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल। कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये लिक्विड क्रिस्टल जो है आपका कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, इसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, सबसे पहले ये खोजा गया, इसलिए इसका नाम के आधार पर कोलेस्टेरिक लिक्विड क्रिस्टल दे दिया। इसमें क्या है, हैविंग सम निमेटिक, कुछ निमेटिक और कुछ सिमेटिक करेक्टर पाए जाते हैं। हैविंग सम निमेटिक एंड सम सिमेटिक करेक्टर, कुछ निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के करेक्टर पाए जाते हैं, कुछ सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के करेक्टर पाए जाते हैं। सिमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के करेक्टर क्या पाए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कलर इफेक्ट इन पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट में ये स्ट्रॉन्ग कलर इफेक्ट शो करते हैं, और इनकी जो है लेयर स्ट्रक्चर होती है, सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल की तरह इनकी लेयर स्ट्रक्चर होती है और नॉन न्यूटोनियन फ्लो होता है। इनका फ्लो कैसा होता है, नॉन न्यूटोनियन, और ये लेयर्स में फ्लो करते हैं, मींस लेयर स्ट्रक्चर में फ्लो करते हैं, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दैट इज द सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल के करेक्टर है। लेकिन निमेटिक का क्या प्रॉपर्टी है, इनमें थिकर लेयर होती है, सिमेट्रिक की तुलना में थिकर लेयर होती है, और जिसका ऑर्डर होता है 500 to 5000 मॉलिक्यूल थिक लेयर होती है इनकी।